बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ भी होंगे, अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के बारे में ऐसी मालूमात से आगाह करेंगे जो शायद आप ना जानते हों। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मोहतरम सामईन ग्रामी, सऊदी अरब में पानी महंगा है और तेल सस्ता है। यहाँ के रास्तों की मालूमात मर्दों से ज़्यादा औरतों को है और यहाँ पर मुकम्मल ख़रीदारी औरतें ही करती हैं, मगर पर्दे में रहकर। यहाँ की आबादी 4 करोड़ है और कारें 9 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। मक्का शहर का कूड़ा करकट शहर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में दबाया जाता है। यहाँ का आब जमज़म पूरा साल पूरी दुनिया में जाता है और यहाँ भी पूरे सऊदीया और पूरे मक्का में इस्तेमाल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कम नहीं हुआ। सिर्फ मक्का में 3 लाख एक दिन में मुर्गियों की खपत होती है। मक्का के अंदर आज तक कभी बाहमी झगड़ा नहीं हुआ। सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों की तादाद 30 लाख के लगभग है, पाकिस्तानी 18 लाख हैं और 16 लाख बांग्लादेशी हैं। 4 लाख के करीब मसरी काम करते हैं और 3 मिलियन के करीब दीगर ममालक के लोग काम करते हैं। सोचो अल्लाह कितने लोगों का यहाँ से घर चला रहा है। सिर्फ मक्का में 70 लाख एसी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ मक्का शहर में 200 क्वालिटी की खजूर दिखती है और एक ऐसी खजूर भी है जिसमें हड्डी हड़कल या गिटक नहीं है। पूरे सऊदीया में कोई दरिया या तालाब नहीं है, फिर भी पानी की कोई कमी नहीं है। पूरे मक्का में कोई नाला या नाली नहीं है। दुनिया का बेहतरीन कपड़ा यहाँ बिकता है जबकि यहाँ पे बनता नहीं है। सऊदी अरब की हुकूमत हर पढ़ने वाले बच्चे को 600 रियाल से 800 रियाल माहाना वजीफ़ा देती है। यहाँ हरियाली नहीं है, यानी दरख्त ना होने के बराबर हैं। यहाँ पहाड़ खुश्क और सफ़ेद हैं मगर सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ साइंसी रिसर्च बिल्कुल फेल है। यहाँ हर चीज़ बाहर से मंगवाई जाती है, फिर भी महंगाई ना होने के बराबर है। दोस्तों, ये थी आज की सऊदी अरब के बारे में ऐसी मालूमात जो शायद आप ना जानते थे। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह खैरा।